अब हम यूज देखते हैं ए टू जेड हेपरिन के। ए टू जेड हेपरिन में यानी कि ए से लेकर जेड तक 26 फॉर्मूले हैं। इन 26 फॉर्मूले का फंक्शन आप लोगों को पहले भी बताया है, एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। ए हेपरिन हमारा फॉर्मूला है 8 टाइम्स अवेलेबल 8 चेस्ट ओनली 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 एडीआर। इस फॉर्मूले का फंक्शन है जब बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही हो, यानी कि जब आप डायग्नोज करते हैं और आपको ये लगता है कि एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है इनके अंदर, तो आप ए हेपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे लो बीपी के केसेस में, क्योंकि एसिड को रिमूव कर कर हम बीपी को नॉर्मल करते हैं, तो बीपी के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हम जॉइंट्स पेन के लिए भी करेंगे, क्योंकि जॉइंट्स पेन एसिडोसिस की समस्या है और एसिडोसिस को डाउन करने के लिए, यानी कि एसिड को डाउन करने के लिए हम ए हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न केवल कॉन्स्टिपेशन या जो भी समस्या एसिडोसिस की है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट पेन है, इंसोमनिया है, हाइपोथायराइड है, जो भी एसिडोसिस की समस्याएं हैं उनमें हम ए हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए हेपरिन का मेन लॉजिक है कि बॉडी के अंदर एसिड को डाउन करना और सर्कुलेशन बढ़ाना, यानी कि हेपरिन हमेशा बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, तो ए हेपरिन यानी कि हेपरिन सर्कुलेशन बढ़ाएगा और एसिड यानी कि एसिड को डाउन करना। ऐसी बॉडी की कंडीशन जहां हमें बॉडी में सर्कुलेशन भी बढ़ाना है और एसिड भी डाउन करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम ए हेपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और ये तो डायग्नोज पे करेंगे, नहीं तो किसी बीमारी विशेष में भी हम जो मैंने बीमारियां बताई हैं उसमें भी ए हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आगे बी हेपरिन फॉर्मूला बैलेंसिंग हेपरिन है, 4 पिट प्लस पी हेपरिन। पी हेपरिन होता है 8 पेंस अवेलेबल 8 चेस्ट ओनली। तो बी हेपरिन फॉर्मूला है बैलेंसिंग के लिए है, यानी कि जब आपको चक्कर आ रहे हो, आपको वर्टिगो की समस्या हो या आपको कन्वर्जन, ये तीनों ही अलग अलग हैं, यानी कि बैलेंसिंग, वर्टिगो या आपको कन्वर्जन, यानी कि आपका सिर घूम रहा हो, आप बैठे हुए हैं सिर अचानक से घूमने लग जाए, या लेटे हुए हैं तो सिर घूमने लग जाए, आप चल रहे हैं तो घूमने लग जाए, तो उस कंडीशन में आप बी हेपरिन का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी फॉर बैलेंसिंग हेपरिन है, तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। अगला है सी हेपरिन या सीसी हेपरिन हो सकता है। सी या सीसी हेपरिन दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। सी में 4 चेस्ट ओनली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सीसी हेपरिन में हम 8 चेस्ट ओनली का इस्तेमाल करते हैं। सी हेपरिन डायरेक्ट लंग्स पर काम करता है, यानी कि हमें लंग्स की समस्या है किसी पेशेंट को और वहाँ पर सर्कुलेशन भी बढ़ाना है, लंग्स की समस्या का समाधान करना है और साथ में सर्कुलेशन भी हमें लंग्स में बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में हम सी या सीसी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कार्डियक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत है, सांस छोड़ने में दिक्कत है, कोई भी लंग्स से रिलेटेड समस्या है, तो हम वहाँ सी या सीसी हेपरिन देकर उस समस्या में को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डी हेपरिन, जिसमें हम डायबिटीज के ऊपर काम करते हैं। 10 पेन सेवी लिवर 8 चेस्ट ओनली, यानी कि डायबिटीज पेशेंट को अगर हमें हेपरिन देना है, यानी कि डायबिटीज पे तो काम करता है, साथ में बॉडी में सर्कुलेशन भी बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में हम डी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। 10 पेन सेवी लिवर 8 चेस्ट ओनली। और डायबिटीज क्या है, डायबिटीज जब भी कम होगी तो फायदा ही करेगी, मतलब अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको अल्टीमेटली बहुत सारी समस्याएं अपने आप आती चली जाती हैं, तो उन सभी समस्याओं में काम होगा। दूसरा, इस हेपरिन का इस्तेमाल हम सेल रिपेयरिंग में भी करते हैं, जैसे कहीं टूट फूट हो रही है सेल की, या आपको कहीं खरोच आ गई है, या कोई स्किन डिजीज है, तो उन कंडीशन में भी हम डी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। तो डैमेजिंग यानी कि कोई टिश्यू डैमेज हो गए हैं, सेल डैमेज हो गए हैं, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हम डी हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर से डायबिटीज पेशेंट को हम ये देंगे। नेक्स्ट हमारा है ई हेपरिन, यानी कि आई हेपरिन, आंखों से संबंधित समस्याओं में हम फर्स्ट एड के तौर पर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 मेडुला प्लस पी हेपरिन हम देते हैं। 2 मेडुला प्लस पी हेपरिन देने से आपके ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेशन मिलता है, और आंखों की समस्याओं में ऑप्टिक नर्व का बहुत बड़ा रोल है, तो आंखों की समस्याओं में
हम इसको ठीक करने के लिए यानी कि आपके ऑप्टिक नर्व को ठीक रखने के लिए, उसके सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए हम ई हैपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आंखों की कौन कौन सी समस्या हो सकती है, निकट दृष्टि दोष यानी कि पास का नहीं दिखेगा या दूर का नहीं दिखेगा, या कैटरेक्ट हो सकता है या धुंधला दिखेगा या डबल विजन दिखेगा या उसको कुछ और हो जाएगा, मतलब एक चीज दो दो दिखती है, या रेटिनाइटिस पिगमेंट दोषा हो सकता है, ये आंखों की समस्या है। तो इन सभी में हम ई हैपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एफ हैपरिन। एफ हैपरिन का मतलब 18 पेन सेवी लिवर एट चेस्ट ओनली, 18 पेन सेवी लिवर एट चेस्ट ओनली। जब कभी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हम प्रोलैक्टिन को डाउन करने के लिए 18 पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोलैक्टिन क्या है, फीमेल में बनने वाला हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन कराता है, यानी मिल्क बनाता है फीमेल्स में, और यह प्रेगनेंसी के बाद स्टिमुलेट होता है, यानी जब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब ये स्टिमुलेट होता है। अगर ये अनमैरिड गर्ल्स में हो जाए स्टिमुलेट तो ये उनके अंदर समस्या बढ़ा सकता है। तो उस कंडीशन में हम एफ हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे कि प्रोलैक्टिन लेवल अपना बैलेंस में रहे। तो उस कंडीशन में हम जो फार्मूला देंगे, ये हम प्रोलैक्टिन का फार्मूला देते हैं, इसमें एफ हैपरिन हम बोलते हैं। तो एफ हैपरिन से हम प्रोलैक्टिन लेवल यानी कि हार्मोन इम्बैलेंसिंग को ठीक करते हैं। नेक्स्ट है जी हैपरिन। जी हैपरिन हमारा मल्टीपर्पज फार्मूला है, बहुत सारे फंक्शन है इसके, एक एक फंक्शन को समझेंगे। मल्टी हैपरिन फार्मूला है, यानी कि जी हैपरिन 30 मेडुला प्लस पी हैपरिन यानी कि 8 पेन सेवी लिवर 8 चेस्ट ओनली है। ये हमारे सबसे पहले तो बीपी अगर हमारा बड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करता है, ऊपर का बीपी बड़ा हुआ है नीचे का बीपी बड़ा हुआ है तो दोनों को ठीक करने का काम जी हैपरिन करेगा। अगर केवल हमारा ऊपर का बीपी बड़ा हुआ है तो हमें केवल 30 मेडुला देने की आवश्यकता है। केवल हमारा नीचे का बीपी बड़ा हुआ है यानी कि 80 वाला 90 हो गया 100 हो गया तो हमें पी हैपरिन की आवश्यकता है। अगर हमारे ऊपर और नीचे यानी कि 80 और 120 हमारा नॉर्मल होता है तो 80 वाला 90 है 120 वाला 130 है तो दोनों बीपी बड़े होंगे तो हम जी हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम जी हैपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर फीमेल में पीरियड्स के दौरान अगर क्लॉटिंग हो रही है, ध्यान से सुना, क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग की वजह से पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में जी हैपरिन का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्लॉटिंग को डिजॉल्व करने में काम करेगा। उस समय नहीं देंगे जिनको ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है, पेनफुल हो रही है, क्लॉटिंग की वजह से हो रही है, थक्के बनकर निकल रहे हैं, तो उन सभी कंडीशन में हम जी हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ब्लीडिंग पहले से ही तेज हो रही है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा, यह फॉर्मूला हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है, यानी कि आप तनाव में हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको टेंशन हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे समय पर आप जी हैपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपको बॉडी को रिलैक्स करेगा। नेक्स्ट, यह बॉडी के साइड इफेक्ट, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट को भी दूर करता है। आपने कोई गलत मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उसको भी दूर करने में जी हैपरिन उपयोगी होता है। हाइपरटेंशन तनाव में भी ये आपको रिलैक्स करने का काम करेगा। तो इसके मल्टीपल फंक्शन है और ये बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो हाई बीपी में ये बहुत इफेक्टिव है, तो इसका आप जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एच हैपरिन यानी कि हेयर हैपरिन, यानी बालों की समस्याओं से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो रही है बालों से रिलेटेड तो हम एच हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। 4 थायराइड प्लस पी हैपरिन, जिसमें हम हेयर ग्रोथ यानी कि बालों की ग्रोथ अच्छी हो, हमारे अगर हमारे को कोई हेयर फॉल हो रहा है तो उस समय पर हम ले सकते हैं। तीसरा, हमारे बालों की ग्रोथ आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है तो उस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को थायराइड कंट्रोल करता है, यानी कि थायराइड के फंक्शन को ठीक करने के लिए भी हम एच हैपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या थायराइड मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हम एच हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। तो जिससे बालों के, न केवल बालों के लिए बल्कि पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं। तो एच हैपरिन हेयर हैपरिन है जो कि बालों की समस्या और
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्याओं पर काम करेगा। आई हैपरिन यानी कि इम्यूनिटी हैपरिन है, नाम से पता चल रहा है, जब किसी की इम्यूनिटी डाउन चल रही हो, बार बार बुखार खांसी जुकाम हो रहा हो या मौसम के बदलने पर मिजाज बदल जाता हो शरीर का, तो उस समय पर हम आई हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आई हैपरिन में सेविल लिम प्लस एक पेन सेविल लिवर एट चेस्ट में दिया जाता है, जो इम्यूनिटी पर काम करता है, वायरल इन्फेक्शन में काम करता है, सहयोग करता है कि आपको बाहर से होने वाले वायरस या बैक्टीरिया से के इन्फेक्शन से बचा सके। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। तो आई हैपरिन इम्यूनिटी हैपरिन है जो कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट हमारा है जे हैपरिन, जिसको ज्वाइंट हैपरिन भी हम कह सकते हैं। ज्वाइंट हैपरिन यानी कि ज्वाइंट से रिलेटेड, आपको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, एल्बो में दर्द है, कलाई में दर्द है, तो ज्वाइंट पेन की कंडीशन में हम जे हैपरिन का इस्तेमाल करते हैं। जे फॉर ज्वाइंट्स है और फोर पैरा एट पेन सेविलिवर एट चेस्ट के लिए हम फॉर्मूला देते हैं। फोर पैरा हमारे लिए स्पेशली कैल्शियम के लिए ही दिया जाता है, ताकि ज्वाइंट पेन का मुख्य कारण आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, तो उस कंडीशन में हम ज्वाइंट पेन, चाहे वो सर्वाइकल के हों, नी के हों, बैक के हों, या हाइट इंक्रीजमेंट अगर आपने करनी है, हाइट बढ़ानी है, तो हम जे हैपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आने लग जाएगा। के हैपरिन नेक्स्ट फॉर्मूला के हैपरिन है, किडनी हैपरिन है, सेविल लिवर जीरो सेवन मीकर जीरो एट पेन सेविल लिवर एट चेस्ट ओनली। किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है यानी कि आपको यूरिन नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, या आपको यूरिन में कोई समस्या आ रही है, या किडनी में कोई दिक्कत हो रही है, किडनी श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, तो उन सभी कंडीशन में जहाँ किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, हम के हैपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे किडनी में स्टोन ही क्यों ना हो, या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने यानी कि बॉडी का वो टॉक्सिन फ्री करने के लिए भी हम किडनी के लिए के हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपका सर्कुलेशन किडनी की तरफ बढ़ेगा और किडनी को स्टिमुलेट भी करेंगे, यानी कि उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करा और साथ में वहाँ सर्कुलेशन भी बढ़ा देते हैं, उसे के हैपरिन फॉर्मूला बोलेंगे। एल हैपरिन लंग्स हैपरिन है, जिसमें हम फाइव मेडुला प्लस पी हैपरिन देते हैं। फाइव मेडुला से हम लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुँचाने वाली आर्टरीज और वेंस को स्टिमुलेट करते हैं, या लंग्स को स्टिमुलेट करने वाली नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो फाइव मेडुला आपके लंग्स को सेंसेशन पहुंचाने वाले नर्व को और आर्टरीज और वेंस को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो, जिससे कि उसका ब्रेन से कनेक्शन प्रॉपर हो, तो उस कंडीशन में हम एल हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लंग्स से रिलेटेड बीमारियों में हम एल हैपरिन भी दे सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये समझना है कि लंग्स खराब होगा तो सीसी हैपरिन देना है, लंग्स की ब्लड सप्लाई खराब होगी तो एल हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई फ्लोस में कोई दिक्कत आ रही है ब्लड सर्कुलेशन में या कनेक्शन में, तो एल हैपरिन का इस्तेमाल करें। लंग्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो सीसी हैपरिन का इस्तेमाल हमने करें। नेक्स्ट हमारा है एम हैपरिन। एम का मतलब माइंड या मेमोरी हैपरिन है, माइंड का मतलब ब्रेन है, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, चाहे फिर आपको मेमोरी लॉस हो, मेनिनजाइटिस हो, या माइंड की प्रॉब्लम हो, या कोई बच्चा एमआर चाइल्ड हो, या हेडेक हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, इन सभी समस्याओं में हम एम हैपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्स मेडुला प्लस पी हैपरिन देकर। सिर में कोई भी दिक्कत है, आप याददाश्त कमज़ोर है, तो भी हम एम हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे, साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस और दूसरे अन्य फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। तो एम हैपरिन आपके ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ाता है, यानी कि ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम एम हैपरिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक हैपरिन यानी कि एन हैपरिन। नेक मतलब सर्वाइकल हो गया, यानी गर्दन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, जिसमें हम फोर मेडुला प्लस पी हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। फोर ब्लड क्लॉट इन नेक यानी कि आपकी गर्दन के चारों तरफ कोई स्टिफनेस हो गई हो, कुछ ब्लड सप्लाई की कमी हो,
तो यहाँ पर हम फोर मेडुला देकर गर्दन के एरिया में ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं और साथ में पी हेपरिन देने से वहाँ पर डबल उसका असर होगा, यानी फोर मेडुला से हम सर्वाइकल के रीजन में सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करते हैं और पी हेपरिन उस फ्लो को दो गुना और इंक्रीज कर देगा। तो गर्दन में जब हम कोई ब्लड सप्लाई पहुंचाना चाह रहे हों, गर्दन को रिलैक्स करना चाह रहे हों, तो उस कंडीशन में एन हेपरिन यानी कि नेट हेपरिन का इस्तेमाल हम करेंगे और गर्दन की समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओ हेपरिन यानी कि ओवरियन हेपरिन, यानी कि ओवरीज के एरिया को ब्लड सप्लाई करने के लिए हम यानी कि नाभि से नीचे के एरिया में अगर हमें ब्लड सप्लाई पहुँचानी है तो हम ओ हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला है 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली ओ हेपरिन का फॉर्मूला है, यानी कि ओवरी से रिलेटेड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन श्रिंक हो रही है, पीसीओडी की समस्या है, यूरिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंसेस प्रॉपर समय पर नहीं आ रहे, अर्ली हो रहे हैं, देर हो रहे हैं, तो कोई भी ओवरी से रिलेटेड समस्या है उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मेल के लिए भी हम टेस्टिस से रिलेटेड कोई समस्या है, टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई है, श्रिंक हो रही है टेस्टिस, स्पर्म काउंट खराब हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो गया है, क्वालिटी कम हो गई है, तो इन सभी समस्याओं में हम ओ हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम WD भी जोड़ सकते हैं जब हमें ये लगे कि नाभि से नीचे का सारा एरिया हमने कवर करना है, हमारा राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी और नीचे वाला एरिया भी हमें इन्वॉल्व करना है, तो उसमें 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 WD 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली हम देकर उस एरिया में यानी कि नाभि से नीचे का सारा एरिया हम कवर करेंगे तो हम WD भी जोड़ देंगे। और उसमें हम यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या है, यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो ये और फॉर्मूला उसमें जुड़ जाएगा। WD जोड़ते ही इस फॉर्मूले के फंक्शन और डबल हो जाएंगे और ये नाभि के नीचे के एरिया को भी कवर कर देगा। और अब है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला पी हेपरिन, जो इन सभी फॉर्मूले का बेस है, यानी ये जितने भी हेपरिन फॉर्मूले बने हैं ये सब पी हेपरिन और पी हेपरिन को मॉडिफाइड कर कुछ आगे कुछ पीछे जोड़ कर हमारे नए फॉर्मूले बने हैं। तो पी हेपरिन जिसको प्लाज्मिन हेपरिन कहते हैं, ये बॉडी के अंदर क्लॉट को खोलने का काम करता है, यानी कि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग अगर कहीं भी है तो आप पी हेपरिन का इस्तेमाल करना है। बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कम है तो पी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से ये आपके नीचे वाले BP को बढ़ा हुआ है, यानी कि 80 वाला अगर आपका BP 90 है या 100 है तो उस कंडीशन में पी हेपरिन काम करेगा। पी हेपरिन मल्टीपर्पज फार्मूला है, आप इसको हर बीमारी में दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी आती ही सर्कुलेशन की कमी से है और पी हेपरिन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो आँख बंद कर जैसे लीवर का पॉइंट है, वैसे ही पी हेपरिन एक ऐसा फार्मूला है जो सभी बीमारियों में दिया जा सकता है। जैसे एक पॉइंट के तौर पर हम लीवर का पॉइंट सब बीमारी में दे सकते हैं, तो ऐसे ही फॉर्मूले के रूप में पी हेपरिन फॉर्मूला सभी बीमारियों में दिया जा सकता है। इससे कोई भी बीमारी अलग नहीं है, जो बीमारी है आप उस बीमारी में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल आपके 3 ऑर्गन्स में कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली को हम स्टूलेट करते हैं, तो पैंक्रियाज लंग्स और आपका लीवर, इन तीनों में कैंसर जैसी समस्या का कोई भी नाम निशान नहीं होना चाहिए। तो आप बल्कि सभी बीमारी में जो भी बीमारी आपके दिमाग में आती है उसमें आप पी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्यू हेपरिन है, क्यू को हम क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम क्या है, फिजिक्स का वर्ड है जिसको एनर्जी लेवल का काम होता है, तो क्वांटम फिजिक्स से लिया गया है। तो क्वांटम में हम एनर्जी पर काम करते हैं और फोर पैन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, तो फोर पैन हमारा ग्लूकागोन हार्मोन को बनाता है। ग्लूकागोन हार्मोन हमारा आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को
जो स्टोर है उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लूकागॉन हार्मोन बनेगा, आपके शरीर के पास जाएगा और वहां से जो स्टोर ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सीधी सी बात कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही हो, वीकनेस आ रही हो, कमजोरी लग रही हो, आपको खाना ना मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में आप क्यू हेपरिन देखकर अपने ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो क्यू हेपरिन हमारा जो है वो ग्लूकोज लेवल पर काम करता है और फोर पैन ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा आपके एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज में। तो क्वांटम हेपरिन है, क्यू हेपरिन है, तो शुगर लेवल डाउन जाने पर एनर्जी को बढ़ाने का काम ये करेगा। नेक्स्ट हेपरिन आर हेपरिन है, रेनिन हेपरिन है, सिक्स लंग्स प्लस शोल्डर प्लस पी हेपरिन, यानी कि अगर आपको रेनिन से संबंधित कोई समस्या है, रेनिन एक एंजाइम है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है ड्यूरिंग ब्लीडिंग के दौरान, यानी कि आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है, एक्सीडेंटल हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई कट सकता है, या मेंसेस के दौरान बीपी, कई लोगों का पीरियड्स आने की वजह से मेंसेस में ब्लीडिंग होने की वजह से बीपी लो चला जाता है, खासतौर से महिलाओं का चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस आर हेपरिन को रेनिन हेपरिन का इस्तेमाल कर उनके ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं और जितना वॉल्यूम है उसके साथ उसको नॉर्मल बीपी पर ला सकते हैं। तो सिक्स लंग्स प्लस शोल्डर प्लस पी हेपरिन इसका फॉर्मूला है, जो कि बीपी लो हो रहा है, कंडीशन क्या है कि बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में बीपी लो जाने पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और खासतौर से उदाहरण के तौर पर फीमेल में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है, गंदा ब्लड बाहर आता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर बीपी लो जा सकता है, तो उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एस हेपरिन एस का मतलब सेराटोनिन हेपरिन, सेराटोनिन का है एट मेडुला प्लस एट पेन सेल्यूलर एट चेस्टोनिन। एट मेडुला क्या करता है, एट मेडुला आपके ब्रेन में बनने वाले एक हार्मोन जिसको सेराटोनिन कहते हैं इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि इसको बनाने का काम करेगा और आपको नींद लाने के लिए काम करेगा, यानी कि अगर किसी को नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो हम एस हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे और किसी को हेडेक है तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी को रिलैक्सेशन चाहिए बॉडी में तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, साथ में एट मेडुला हम कानों की समस्याओं में भी यूज करते हैं, यानी कि वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो कानों के लिए जिम्मेदार है, जो आपके साउंड को कैच कर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो यानी कि इसका मतलब हम कानों की समस्या में भी एट मेडुला देकर पी हेपरिन देकर यानी कि एस हेपरिन देकर अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो नींद में और कानों की समस्या के बैलेंसिंग में भी या कानों की समस्या में कोई भी दिक्कत है तो उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी हेपरिन या टी टी हेपरिन। टी का मतलब है फोर थाइमस और टी टी का मतलब है एट थाइमस। तो टी या टी टी हेपरिन में एट थाइमस प्लस एट पैन सेवन लिवर एट चेस्ट ओनली टी टी हेपरिन होगा। ये इंजरी के केसेस में देखते हैं, यानी कि इंजरी में हील करने के लिए देते हैं, इम्यूनिटी के लिए देते हैं, और आपकी इंटरनल कहीं इंजरी हो गई है यानी कि आपको पता भी नहीं है, एक्सटर्नल इंजरी तो हमें पता लग जाती है, इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं, कहीं टूट फूट हुई है तो उसको भी ये हील करने का काम करता है। साथ में ये मिनरल्स को ब्लड से लेकर बोन्स या आपके मसल्स में डालने का काम भी करता है। तो इन सभी केसेस में हम टी टी हेपरिन या टी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेपरिन है हमारा यू हेपरिन यानी कि यूरिन हेपरिन। एट पैन सेवन लिवर एट चेस्ट ओनली टू एच फोर फाइव, यानी कि यूरिन की समस्या आपको हो रही है, यूरिन आपको रुक रुक के आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम एट पैन सेवन लिवर एट चेस्ट ओनली जो किडनी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, साथ में टू एच फोर फाइव देते ही यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा और यूरिन में होने वाली समस्या ठीक हो जाएगी, यानी कि यूरिन के ब्लॉकेज को रोक खत्म करने के लिए, यूरिन रुक रुक कर आ रहा है उसको ठीक करने के लिए हम इस कंडीशन में हम यू हैपरिन यानी कि यूरिन हैपरिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी हैपरिन विटामिन हैपरिन। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली सभी समस्याएं, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे आरबीसी की दिक्कत हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उस कंडीशन में
जहाँ आपको वीकनेस लगती है, नर्व वीकनेस लगती है, विटामिन कम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एक बहुत पार्क को या बहुत विटामिन फॉर्मेशन आपने सीखा है, बहुत विटामिन फॉर्मेशन, तो बहुत विटामिन फॉर्मेशन प्लस पी हेपरिन यानी एक पेन सेविलगर एट चेस्टोन ली देकर हम वीकनेस को दूर कर सकते हैं, ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं और ब्लड की कमी की आने वाली वीकनेस को दूर कर सकते हैं, जिसके लिए हम विटामिन हेपरिन यानी कि बी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा डब्ल्यू हेपरिन, वॉर्म हेपरिन यानी कि कीड़ों को मारने वाला हेपरिन। पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के हो जाते हैं, बड़ों के भी हो जाते हैं, तो बच्चों के और बड़ों के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 मेडुलर, इसमें हम क्या करेंगे, 12 मेडुला प्लस पी हेपरिन यानी कि 12 मेडुला प्लस पी हेपरिन एट पैन सेविलगर एट चेस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों में अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनके जो लिप्स हैं उसके कोने पर धूप जमा होना शुरू हो जाता है, उनके सोते समय धूप निकलना शुरू हो जाता है, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, या उनके ईचिंग होती है एनएस के पार्ट में, यानी कि एनएस के पार्ट में बार बार ईचिंग करते हैं, खुजाते हैं, तो ये सिम्टम्स है कि उनके पेट में कीड़े हो रहे हैं। और ऐसे बच्चे कितना भी खा लेते हैं तो वेट नहीं बढ़ता कहा जाता है, तो उन बच्चों को हम डब्ल्यू हेपरिन यानी कि 12 मेडुला प्लस पी हेपरिन का इस्तेमाल कर उनकी इस समस्या में समाधान कर सकते हैं। साथ में ये ब्रेन के एक पार्ट को भी स्टिमुलेट करता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ से वेव चलती है, इस वेव को ही हम ईईजी के अंदर चेक करते हैं कि ब्रेन के अंदर जो वेव चल रही है वो ईईजी बताती है कि ठीक चल रही नहीं चल रही। अगर ये वेव ऊपर नीचे चल जाए तो फिट्स हो सकते हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, तो उस वेव की गड़बड़ी की कंडीशन में भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 12 मेडुला प्लस 8 पेन सेविलगर 8 चेस्टोन का हम इन दो मेजर कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक्स हेपरिन यानी कि वेगस हेपरिन है। वेगस हमारी 12 किरियल नर्व में से सबसे लंबी नर्व है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी हमारे ईसोफेगस, हमारे स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारे पैंक्रियाज, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सभी ऑर्गन्स को, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लगभग 80% ऑर्गन्स को, 90% ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है। 10 मेडुला से हम इसे स्टिमुलेट करते हैं तो 10 मेडुला पर पी हेपरिन हमारा एक्स हेपरिन बन जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनडाइजेशन हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, यूडीएफ आता हो, लिवर ठीक से काम नहीं करता हो, इंटेस्टाइन का फंक्शन ठीक से ना हो, इन सभी समस्याओं में हम एक्स हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्स हेपरिन हमारा बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा है वाई हेपरिन। वाई हेपरिन हमने निकाला योगा हेपरिन से, यानी कि वाई का मतलब योगा हेपरिन है। योगा हेपरिन में नीलोथेरेपी के एक वर्ड, एक फॉर्मूला लिया गया है, एक पॉइंट लिया गया है योगा से, जिसको हम बोलते हैं फोल्डेड लेग, है ना। तो फोल्डेड लेग योगा का पवन मुक्त आसन है जिसका इस्तेमाल हम नीलोथेरेपी में फोल्डेड लेग के तौर पर करते हैं। तो फाइव फोल्डेड लेग प्लस पी हेपरिन इस फॉर्मूले का फंक्शन का डिटेल है। इसका इस्तेमाल हम पेट की समस्याओं को ठीक करते हैं, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, फूलता चला जा रहा है इसमें, और इसकी वजह से हमारे को बैक पेन हो रहा है या मिडल बैक पेन है, पेट की भी समस्या नहीं है लेकिन मिडल बैक पेन है। हमारे पास अपर बैक के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लोअर बैक के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मिडल बैक पेन के लिए बहुत कम है, तो उनमें से ये फॉर्मूला मिडल बैक पेन पर काम करता है। तो डाइजेशन से रिलेटेड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, पेट फूला फूला लगता है, पेट में हवा भर गई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी हवा नहीं निकलती है, तो उस कंडीशन में हम इस वाई हेपरिन का इस्तेमाल कर पेट को रिलैक्स करने का काम करते हैं। फाइव फोल्डेड लेग प्लस 8 पेन सेविलगर 8 चेस्टोन ली आप लोगों को ये देना आता है, तो इसका इस्तेमाल हम वाई हेपरिन में करते हैं। लास्ट हमारा है जेड हेपरिन। जेड हेपरिन ये भी बहुत लॉजिकल फॉर्मूला बना, जिंक हेपरिन। जिंक हेपरिन का फॉर्मूला है 8 थाइमस मल्ली 4 थायराइड 8 थाइमस यानी कि 4 थायराइड प्लस पी हेपरिन 8 पेन सेविलगर 8 चेस्ट ओनली 1 पिट 6 एडीआर। ये बड़ा लॉजिकल फॉर्मूला था, गुरुजी ने लास्ट में इसको बनाया लेकिन मतलब हमने इसको मॉडिफाई करा है।
जिंक हमारा बना है, तो फोर थाइमर, फोर थायराइड, एट पैन से विल्वर, एट चेस्टोली, 1.6 ADR आपके ब्रेन के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। जिंक क्या मिनरल है, यानी कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी की कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो मसल्स स्ट्रॉन्ग करने में, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में, मल्टी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। मंदबुद्धि बच्चों, खास तौर से जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनको ऊँटनी का दूध पिलाया जाता है, और उस ऊँटनी के दूध में जिंक सबसे अच्छा पाया जाता है, जिंक ज़्यादा होता है, तो उस उन बच्चों के लिए ये जिंक फार्मूला बहुत अच्छा है जो मंदबुद्धि है या मेंटल रिटार्डेड है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन या मसल्स की कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में हम इस जिंक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा लास्ट फार्मूला है A to Z हेपरिन का।